हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू और काले चने की एक बेहद टेस्टी रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और खाने में बिल्कुल अमेजिंग लगती है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी का। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट। आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स के लिए बना सकते हैं, या फिर शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो दोस्तों, यहाँ पे लगभग एक कप काले चने ले लिए हैं मैंने। इन्हें ओवरनाइट के लिए अच्छे से भिगो लिया था। और दोस्तों, इसमें मैंने एक सीटी लगा ली है। आप चाहें तो इन्हें कच्चे भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने इसमें एक सीटी लगा ली है और उसी के साथ हमें चाहिए दो हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अब इन सभी को हमें पल्स मोड पे अच्छे से ग्राइंड करना है, सिर्फ दरदरा ग्राइंड करना है हमें, ज़्यादा हमें पेस्ट नहीं बनाना है इसका। तो सिर्फ आप एक से दो बार मिक्सी को चलाएँ और बहुत ही जल्दी ये ग्राइंड हो जाएगा। तो ध्यान रखें, आप इसे हमें दरदरा पीसना है, पेस्ट इसका बिल्कुल नहीं बनाना है। और साथ ही थोड़ा सा इसमें सफ़ेद नमक डाल देंगे और फिर ढक्कन लगा के इसे ऐसे ही पीस लेंगे। इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है आपको। तो चलिए फटाफट से इसे पल्स मोड पे पीस लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये काफ़ी दरदरा है, इसी तरह का हमें चाहिए। चाहें तो आप कच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, उसे भी आपको इसी प्रोसेस से तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे अब एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इस मिक्स को मैंने बोल में निकाल लिया है, इसे रख देते हैं साइड में और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कुछ आलू ले लिए हैं, ये बॉइल्ड आलू हैं। अब इन्हें हम अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं या हाथों से ऐसे ही फोड़ सकते हैं, या आप फॉक की मदद से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे इन्हें मैश कर लीजिए। तो चलिए, अब इसमें हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आपको ध्यान में रख के डालना है क्योंकि चनों में भी नमक है। उसी के साथ डाली है थोड़ी सी लाल मिर्च और उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, जिसे देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। और साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, साथ में ही एक चम्मच धनिया पाउडर और उसी के साथ हम डालेंगे आधा चम्मच आमचूर का पाउडर और उसके बाद यहाँ डालेंगे आधा चम्मच भर के चाट मसाला, जिससे हमारी जो स्टफिंग बनेगी ना बहुत ही तीखी चटपटी मज़ेदार बनेगी। जैसा कि हम समोसे की स्टफिंग खाते हैं ना, उसी टाइप की ये स्टफिंग बन के तैयार होगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सभी मसालों को डालने के बाद आपको अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है। सारे मसाले आलू अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। तो अब यहाँ लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद आप दोबारा से अच्छे से इन्हें मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके अब हम इनकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छे से हमारा डो बनके तैयार है आलू वाला। अब इसमें से हमें छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनानी हैं। तो टिक्कियों का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चम्मच ले ली है, उसकी मदद से हम थोड़ा सा मिक्स लेंगे और गोल गोल घुमाते हुए इन्हें टिक्की का शेप दे देंगे। इस तरह जब चम्मच से आप मिक्स लेंगे तो हमारी सारी टिक्कियाँ जो हैं एक ही साइज़ की बनेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह आप इन्हें सबको बना के रख लीजिए पहले। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ सारी टिक्कियाँ बनके तैयार हैं और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें काले चने वाली स्टफिंग लेनी है, मिक्स लेना है जो हमने बना के तैयार किया था। उसमें हम सबसे पहले डालेंगे एक बड़ी चम्मच बेसन और एक बड़ा चम्मच चावल का आटा। मेरी चम्मच बहुत छोटी है इसलिए मैंने दो दो चम्मच यूज़ किया है, आप एक एक चम्मच डालें पहले। साथ ही डाला है आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और साथ में ही डाला है थोड़ा सा हरा धनिया।
इन सभी को डालने के बाद आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए मिक्स। नमक नहीं डालना है क्योंकि नमक हमने पीसते टाइम डाल दिया था दोस्तों इसमें। तो देखिए इस तरह अच्छे से आप इन्हें मिक्स कर लीजिए, चाहे तो हाथों की मदद से चाहे चम्मच से। तो देखिए ये मिक्स बनके तैयार है। अब जो हमने टिक्की बना के रखी थी आप इस मिक्स में अच्छे से इन्हें कोट कर दीजिए। हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए दोनों तरफ अच्छे से आपने कोट कर दीजिए। तो दोस्तों बहुत आसानी से ही नाश्ता बनके तैयार हो जाता है और घर के रखे सामान से ही सारा नाश्ता बन जाता है। कुछ भी बाहर से लाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी को घर में ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो देखिए इसी तरह हम सारी टिक्कियों को अब तैयार कर लेंगे और तैयार करके दूसरी प्लेट में रख लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं हमने और अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। तो आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं, पर मैंने बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है। सिर्फ एक चम्मच तेल का यूज़ करके आज हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। बस पैन में हल्का सा मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है और अब इन टिक्कियों को हम अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये क्रिस्प ना हो जाएं। तो अलट पलट के आप दोनों साइड हल्का हल्का घी या तेल लगा के इन्हें सेक लीजिए। इन्हें आपको डीप फ्राई या शैलो फ्राई करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कच्चे चने का यूज़ किया है तो आप इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पे चनों में एक सीटी लगा ली थी तो वो पहले से ही बॉयल्ड थे थोड़े से। तो आप इस तरह जब उन्हें उलट पुलट के अच्छे से सेक लेंगी तो आपको इन्हें शैलो फ्राई और डीप फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है दोस्तों ये नाश्ता, और साथ में ही बहुत कम तेल से बना है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह दोनों साइड अच्छा कलर आने तक आप इन्हें सेक लीजिए। इसके ऊपर हमने जो काले चने की लेयर लगाई है उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं फ्रेंड्स, और अंदर से आलू की वजह से बहुत ही सॉफ्ट। तो लीजिए फटाफट से, ये तो सिक्के तैयार हैं, अब इन्हें कर लेते हैं सर्व। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर कलर आया है, और देख के ही आपको लग रहा है कि ऊपर से कितनी ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बने हैं और अंदर से ही उतने ज़्यादा सुपर टेस्टी और सुपर सॉफ्ट बने हैं। और स्टफिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है दोस्तों। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, घर में बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करने वाले हैं इस रेसिपी को। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।